हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम मास्टर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, एमए कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, और जो पैटर्न होता है कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग का, तो इसमें 45 मार्क्स के या फिर 55 मार्क्स के, लास्ट ईयर तो 55 मार्क्स के पूछे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उससे पहले 45 मार्क्स के आते थे, तो हो सकता है इस बार भी 55 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बाकी जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और जो पूरा पेपर जो बेस होता है क्वेश्चन पेपर, वो किस पे होता है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। कहीं पर जो ट्रीटी हुई है, पीस ट्रीटी हुई है, या पीस प्राइज़ मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है, तो ये या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं किसी एरियाज़ में, या कोई डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ के जाना होता है। और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पेपर के बारे में सोच रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग में आपको एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर से, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होते हैं। सो ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें उस टाइम पे जो हुआ था, न्यूज़ में जो चीज़ें थी वो पूछी गई थी। सो देखते हैं क्या क्या था। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द गांधी मंडेला पीस मेडल 2019। यहाँ पूछा गया कि गांधी मंडेला पीस मेडल 2019 किसको मिला था। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो पूछा गया कि 2019 वाला जो गांधी मंडेला पीस मेडल है, ये किसे मिला था। द राइट आंसर इज़ थिच हैथ हैन, इन्हें मिला था ये। द राइट आंसर इज़ डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अप्रैल 13, 2019 मार्क्ड द सेंचुरी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स। 13 अप्रैल 2019 को यहाँ पे जो इवेंट्स दिए हुए, इनमें से किस इवेंट को 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। सो द राइट आंसर इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और 2019 में इसे 100 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो गए थे 13 अप्रैल 2019 में। सो द राइट आंसर इज़ जलियांवाला बाग मैसेकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, पीस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे। द राइट आंसर इज़ 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्लैग। ऑप्शंस में जो दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से पूछा है कि कौन सा यूनाइटेड नेशंस का जो है फ्लैग में नहीं है, इनमें से सिंबल्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा जो है वो यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग में नहीं है। तो यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग जो होता है वो ब्लू एंड वाइट कलर का होता है, तो ये होता है ब्लू एंड वाइट कलर का फ्लैग होता है, उसमें ऑलिव ब्रांचेस होते हैं और वर्ल्ड का मैप होता है। पिजन जो है वो नहीं होता यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग में, तो द राइट आंसर इज़ पिजन। इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशंस फ्लैग का। सो द राइट आंसर इज़ डी। डी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन 2019 द नोबल पीस प्राइज़ वॉज अवॉर्डेड टू अबी अहमद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया फॉर हिज एफर्ट्स टू रिजॉल्व इथोपियाज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद विच अमंग इट्स फॉलोइंग नेबर्स। 2019 में नोबल पीस प्राइज़ जो है वो अबी अहमद जी को दिया गया था। अबी अहमद जी ये हैं इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर, और इन्हें किस लिए दिया गया था नोबल पीस प्राइज़, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी इथोपिया, यानी कि ये जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी कंट्री के साथ यहाँ पूछा गया कि कौन सी कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसको रिजॉल्व करने के लिए इन्हें नोबल पीस प्राइज़ 2019 दिया गया था। सो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो चल रहा था इरिटीरिया के साथ। द राइट आंसर इज़ इरिटीरिया। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट दैट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन इंडिया वॉज एनएक्टेड इन।
न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट है, ये एक एक्ट है जिसमें ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बेटर मैनेजमेंट के लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट को कब एनएक्ट किया गया था, कब लागू किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वो किया गया था 2019 में। द राइट आंसर इज 2019। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट गेंड मोमेंटम इन 2020 इन द यूनाइटेड स्टेट विद द डेथ ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। 2020 में लास्ट ईयर जनवरी में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटेस्ट किया जा रहा था। और वो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था यहाँ पर पूछा गया है, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि यूएसए में जो वहाँ की पुलिस है उन लोगों ने एक ब्लैक को, एक यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन को मार दिया था। तो उसका क्या नाम है, द राइट आंसर इज जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, उसकी वजह से ये ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट जो है इतना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा था। द राइट आंसर इज जॉर्ज फ्लॉयड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मैनगोबी और द फेयर वन। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें इसमें पूछा गया है कि मैनगोबी या फिर द फेयर वन जो है द फेयर वन किसे कहा जाता है। द राइट आंसर इज इरोम चानू शर्मिला। इरोम चानू शर्मिला को मैनगोबी भी कहा जाता है और द फेयर वन इसका मतलब होता है द फेयर वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्ट द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2030 एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कब जो है अडॉप्ट किया था। सो द राइट आंसर इज 2015। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोरो और बोडो एन एथनिक ग्रुप इनहेबिट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। बोरो एंड बोडो एक ट्राइब है, एक एथनिक ग्रुप है, ये किस स्टेट से है, ये बोरो एंड बोडो ट्राइब जो ये किस स्टेट में मिलते हैं। बोरो एंड बोडो ट्राइब जो है वो असम में एक एथनिक ग्रुप है। बोरो या फिर बोडो भी बोला जाता है उन्हें, और बोरो भी बोला जाता है, तो ये ट्राइब है असम का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड द डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछा गया है कि इसमें से कौन से फर्स्ट इंडियन हैं, कौन सी फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए डिप्टी डायरेक्टर जनरल कहाँ का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। सो वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। द राइट आंसर इज सौम्या स्वामीनाथन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट्स बिल 2019 में एक बिल में अमेंडमेंट की गई थी, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल था, इसमें 2019 में अमेंडमेंट की गई थी। तो इसमें पूछा गया है कि इस एक्ट से रिलेटेड जो है कौन सी बात इसमें गलत है, कौन सी बात सही नहीं है। सो देखते हैं क्या क्या है। इट अमेंडेड द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ये एक्ट 1956 को अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये नहीं होगा। और नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, ये भी है इसमें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल ट्रिब्यूनल्स। तो ये जो है ये इस एक्ट में नहीं बोला गया है। ठीक है, सो मूव टू द राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशन एंड सेटल डिस्प्यूट पीसफुली। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल है जो पीस को प्रोमोट करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोमोट करता है। सो द राइट आंसर इज 51A जो है ये है
आर्टिकल, हाँ 51A आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद विमेन. द राइट आंसर इज रिजोल्यूशन 1325. रिजोल्यूशन 1325 जो है यूनाइटेड नेशंस का, ये रिजोल्यूशन जो है ये वीमेन से वीमेन के लिए है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन ऑगस्ट 2015 विद विच अमंग द फॉलोइंग नागा ग्रुप्स. नागालैंड के यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं. तो यहाँ पूछा गया है कि ऑगस्ट 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया था कौन से नागा ग्रुप के साथ. द राइट आंसर इज NSCNIM. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन. द राइट आंसर इज 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था 1945 में. और इसमें अभी प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, प्रेजेंट मेंबर हैं 193 मेंबर हैं टोटल. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली रेफर्ड टू एज मदीबा. मदीबा किसे कहते हैं, मदीबा नेल्सन मंडेला को कहते हैं. द राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला जो है वो मदीबा के से भी फेमस है, मदीबा नाम से भी फेमस है. द राइट आंसर इज नेल्सन मंडेला. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मे 2020 मेजर सुमन गवानी ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हर सर्विसेज एज ए पीस कीपर इन विच अमंग द फॉलोइंग यूएन मिशंस. मे 2020 में सुमन गवानी जो है ये इंडियन आर्मी, इन्होंने सुमन गवानी ऑफ द इंडियन आर्मी रिसीव द इंडियन आर्मी से हैं ये सुमन गवानी. 2020 में, मे 2020 में इनको यूनाइटेड नेशंस से यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. इनकी किस सर्विस के लिए, यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस का एंड यूएन का जो मिशन था तो किस मिशन के लिए इन्हें दिया गया था. सो द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनिफिल या फिर फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे इसकी, ये भी हो सकता है, पर जो करंट में रहता है न्यूज़ में वही पूछा जाता है मोस्टली. तो यूनिफिल, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल. द राइट आंसर इज धर्मशाला. हेडक्वार्टर कहाँ है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है धर्मशाला में. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. इनमें से कौन सी जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है. तो द राइट आंसर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के अंडर नहीं है. तो द राइट आंसर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. बाकी यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो है यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं. और एमनेस्टी इंटरनेशनल, द राइट आंसर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द सेरेब्रेनिका मैसेकर टेक प्लेस इन जुलाई 1995. द राइट आंसर इज बोस्निया एंड हर्जेगोविना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करतारपुर कॉरिडोर इज अ वीज़ा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज. करतारपुर कॉरिडोर जो है वीज़ा फ्री कर दिया गया, यहाँ जाने के लिए वीज़ा नहीं लगेगा. तो ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है. द राइट आंसर इज इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31st 2020. ऑफिशियली किसने अनाउंस कर दिया यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए, कि कौन ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन को छोड़ रहा है जनवरी 31st 2020 में, किसने छोड़ा है.
सो द राइट आंसर इज़ ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है January 31, 2020 में। द राइट आंसर इज़ ब्रिटेन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज इन May 2020 एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। इनमें से कौन है जो क्या कहते हैं May 2020 में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया से यूनाइटेड नेशंस के। यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं जो इंडिया से हैं। द राइट आंसर इज़ टी एस त्रिमूर्ति इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे। द राइट आंसर इज गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये जो हैं ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर को 2019 में जो है वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे इस यूनियन टेरिटरी के, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस कंट्री ने टॉप किया था 2019 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो थी नॉर्वे। द राइट आंसर इज नॉर्वे। इंडेक्सेस पढ़ के जाइएगा, इंडेक्सेस बहुत पूछ लेते हैं। सो द राइट आंसर इज नॉर्वे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 जो है रैंक फर्स्ट आई थी किसकी, नॉर्वे की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ICMR की फुल फॉर्म क्या है। द राइट आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की फुल फॉर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 रिपोर्टेड। फर्स्ट केस जो COVID-19 का आया था वो किस मुल्क में आया था। द राइट आंसर इज चाइना। पूरी दुनिया में फैला के खुद सुकून से बैठ गया। द राइट आंसर इज चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड इन 2019। द राइट आंसर इज पानी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जून 2020 नेपाल पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गिविंग लीगल स्टेटस टू अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन टेरिटरीज वॉज Not a part of the new map. 2020 में नेपाल ने अपना एक न्यू मैप जो है वो रिलीज़ किया था और उसमें उस मैप में नेपाल ने इंडिया की तीन जगह को, इंडिया में जो जगह इंडिया की है मतलब जो इंडिया में अभी है उसे अपने मैप में शो किया था नेपाल ने। तो इसमें पूछा गया कि उस मैप में जो मैप रिलीज़ किया था नेपाल ने उसमें कौन सी जगह नहीं है जो मैप में दिखाई गई है। सो द राइट आंसर इज़ बागेश्वर। लिपू लेक को उसमें दिखाया था कि वो नेपाल की टेरिटरी है, काला पानी को दिखाया था और लिम्पेदूरा को दिखाया था। और ये तीनों ही इंडियन टेरिटरी है, लिपू लेक भी, काला पानी भी और लिम्पेदूरा भी। और ये तीनों जो है नेपाल ने अपने मैप में दिखाया था और बागेश्वर नहीं दिखाया था। सो द राइट आंसर इज़ बागेश्वर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जून 2020 इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस टुक प्लेस इन विच अमंग द फॉलोइंग वैलीज। द राइट आंसर इज गलवान वैली। चाइना और इंडिया के बीच में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है 2017 से, और 2020 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। गलवान वैली में बहुत ज़्यादा हमारे सैनिक मरे भी थे। तो गलवान वैली इज़ द राइट आंसर। 2000 यहाँ मेंशन करके पूछा गया है कि जून 2020 में इंडिया चाइना स्क्रिमिशेस टुक प्लेस इन विच, किस जगह पे हुआ था इंडिया चाइना का। द राइट आंसर इज़ गलवान वैली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तिपाईमुख डैम इज़ अ डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज़।
तिपाई मुख डैम जो है इसको लेकर के कौन सी दो कंट्रीज़ में डिस्प्यूट बना रहता है? सो द राइट आंसर इज़ इंडिया एंड बांग्लादेश इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन 2016 इंडिया एग्रीड टू इन्वेस्ट इन द चाबहार पोर्ट एंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन अराउंड इट. इन विच कंट्री इज़ द चाबहार पोर्ट लोकेटेड? चाबहार पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है? द राइट आंसर इज़ ईरान. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फेबररी 2020 पीस एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान वॉज साइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच में फेबररी 2020 में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था. तालिबान का ये अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करते जा रहे हैं तालिबान अफ़गानिस्तान में. सो इन दोनों के बीच में, तालिबान और US के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ था फेबररी 2020 में. तो पूछा गया ये एग्रीमेंट किस जगह पे साइन किया गया था. सो द राइट आंसर इज़ दोहा. दोहा कहाँ है? दोहा है कतर में. दोहा कतर में है. सो द राइट आंसर इज़ दोहा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. सो द राइट आंसर इज़ कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज. द राइट आंसर इज़ बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग कंप्राइजेज द मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान? अफ़गानिस्तान में जो मेजॉरिटी ग्रुप है, कौन सा एथनिक ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है अफ़गानिस्तान में? तो वो है पश्तून. द राइट आंसर इज़ पश्तून. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द रोहिंग्याज़ रिफ्यूजीज़? रोहिंग्याज़ रिफ्यूजीज़ जो हैं इनकी कंट्री कौन सी है, किस कंट्री से इन्हें अपनी कंट्री से जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाना पड़ रहा है? तो ये जो है बेसिकली ये लोग म्यांमार से हैं. द राइट आंसर इज़ म्यांमार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ श्रीलंका वैन द लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम वॉज डिफीटेड इन 2009 एंड इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द आइलैंड नेशन? 2009 में जब सिविल वॉर एंड हुआ श्रीलंका में, उस वक्त जो डिफेंस सेक्रेटरी थे श्रीलंका के और अभी जो करंट प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो कौन है? यहाँ पर इतना सिंपल सा पूछा गया है. द राइट आंसर इज़ महिंदा राजपक्षा. महिंदा राजपक्षा जो हैं वो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है. और 2009 में जब सिविल वॉर एंड हुआ था श्रीलंका में, उस वक्त ये डिफेंस सेक्रेटरी थे श्रीलंका गवर्नमेंट में, श्रीलंकन गवर्नमेंट में ये एज ए डिफेंस सेक्रेटरी थे, और अभी ये प्रेसिडेंट हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA की फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है NDMA की फुल फॉर्म है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी लोकेटेड? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ है? द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हुम अमंग द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज़ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SARC सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़? द राइट आंसर इज़ काठमांडू, नेपाल. नेपाल में जो है SARC का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है नेपाल में, काठमांडू में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्रीज़ कंप्राइजेज द ब्रिक्स? ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है? द राइट आंसर इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड? इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किस ईयर में साइन हुई थी? द राइट आंसर इज़ 1916. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़
is an issue of contention between Israel and Palestine. The right answer is Jerusalem. Move to the next question. The next question is, in which among the following South Asian countries was the Comprehensive Peace Agreement signed in 2006? The right answer is Nepal. The next question is, in which among the following Chinese regions was the Law of the People's Republic of China Safeguarding National Security implemented in the end of June 2020? The right answer is Hong Kong. Hong Kong is Special Administrative Region. The next question is, the Armed Force Special Powers Act is not operational in which among the following states of India? The right answer is Nagaland. The next question is, who among the following received the World Food Prize 2020? 2020 mein World Food Prize kise mila tha? The right answer is Dr. Ratan Lal ko. Dr. Ratan Lal is the right answer. The next question is, who is the author of Hind Swaraj? Hind Swaraj jo book hai, ye kisne likhi hai? Ye likhi hai Mahatma Gandhi ne. The right answer is Mohandas Karamchand Gandhi. Move to the next question. The next question is, in which of the following states is Meera Peevi an organization of women based? The right answer is Manipur. ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है मेरा पी भी? ये है मणिपुर में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है हेग में. द राइट आंसर इज हेग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस विद इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस स्टेट में इंडिया के? द राइट आंसर इज़ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज़ द राइट आंसर. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इनमें से कौन सा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है? द राइट आंसर इज जेंडर इक्वलिटी. सो इस वीडियो में हमने आज 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग का. अगर आपको और कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट कर करके ज़रूर बताएं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.